नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजकुमार जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन पार्ट 4। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 के 20 क्वेश्चंस कर लिए थे। एक्सरसाइज 5.1 लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है इसका। 21st क्वेश्चन, द इक्वेशन कर्ली यू बाय कर्ली टी इज इक्वल टू म्यू इंटू कर्ली स्क्वेयर यू बाय कर्ली एक्स स्क्वेयर। दिस रेफर्स टू द कंडीशन of heat along a bar without radiation. Then show that ये condition हमें given है, तब show करना है if u is equal to a into e raised to power minus gx into sine nt minus k gx, where a, g, n are positive constants. ठीक है, देन हमें क्या प्रूव करना है, जो g है वो किसके इक्वल होगा, रूट n बाय 2 म्यू के, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो वो गिवन कंडीशन है और u हमें गिवन है, तो देखो किस टाइप से सॉल्यूशन करेंगे हम। u क्या है, a इंटू e रेस्ट पावर माइनस जी एक्स इंटू साइन nt माइनस के gx। तो जो गिवन कंडीशन है उसमें लेफ्ट साइड में है कर्ली u बाय कर्ली t और राइट साइड में है कर्ली स्क्वायर u बाय कर्ली x स्क्वायर। तो पहले लेफ्ट साइड निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड तो क्या है, कर्ली u बाय कर्ली t। तो देखो a कांस्टेंट, e की पावर माइनस gx कांस्टेंट, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos nt माइनस gx इंटू n। ठीक है, अब u का विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, a तो कांस्टेंट है, ये देखो u इंटू v से होगा, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव साइन का क्या हो जाता है, कोस ऑफ एन टी माइनस के जी एक्स इंटू माइनस जी प्लस साइन एन टी माइनस जी एक्स एज इट इज, ई रेस्ट पावर माइनस जी एक्स का ई रेस्ट पावर माइनस जी एक्स इंटू माइनस जी। ठीक है, ये आ जाता है, तो इसमें से a e रेस्ट पावर माइनस जी एक्स और माइनस जी कॉमन ले लें तो क्या आ जाता है, कोस ऑफ एन टी माइनस जी एक्स प्लस के साइन ऑफ एन टी माइनस के जी एक्स, ये आ जाता है। ठीक है, ये आया कर्ली u बाय कर्ली x। अब कर्ली स्क्वायर u बाय कर्ली x स्क्वायर करेंगे तो a इंटू माइनस जी तो बाहर, e रेस्ट पावर माइनस जी एक्स एज इट इज, इसका डायरेक्ट करेंगे cos का माइनस के साइन ऑफ एन टी माइनस जी एक्स इंटू माइनस जी, प्लस के साइन का क्या जाता है, cos ऑफ एन टी माइनस के जी एक्स इंटू में माइनस जी और प्लस, अब ये एज इट इज cos ऑफ एन टी माइनस जी एक्स प्लस के साइन ऑफ एन टी माइनस जी एक्स एज इट इज, ई की पावर माइनस जी एक्स का ई रेस्ट पावर माइनस जी एक्स इंटू माइनस जी। ठीक है, ये डेरिवेटिव कर लिया। अब हम क्या करते हैं, कर्ली स्क्वायर यू बाय कर्ली एक्स स्क्वायर, माइनस जी कंप्लीट से कॉमन है तो ए इंटू जी स्क्वायर, माइनस जी कॉमन लेंगे तो जी स्क्वायर, ई रेस्ट पावर माइनस जी एक्स भी कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा, माइनस के साइन ऑफ एन टी माइनस जी एक्स प्लस के कोस ऑफ एन टी माइनस के जी एक्स
प्लस के कॉस ऑफ एन टी माइनस जी एक्स प्लस के साइन ऑफ एन टी माइनस के जी एक्स, ये आ जाता है। साइन से साइन कैंसिल आ जाएगा, तो अब अपने पास क्या बनेगा, दिस इज जी स्क्वेयर ए ई रेस्ट पावर माइनस जी एक्स, और अंदर आ जाएगा टू टाइम हो जाएगा भाई टू कोस ऑफ एन टी माइनस के जी एक्स, ठीक है। तो जो गिवन कंडीशन है उसमें पुट कर देते हैं ये राइट हैंड साइड, देयर फोर लेफ्ट साइड तो क्या है, लेफ्ट साइड आई है हमारे पास ये ए ई रेस्ट पावर माइनस जी एक्स, ई रेस्ट पावर माइनस जी एक्स इंटू कोस ऑफ एन टी माइनस के जी एक्स इंटू में क्या आ जाएगा एन, दिस इज इक्वल टू भाई लेफ्ट साइड तो कर ली यू बाई कर ली टी है, देखो कर ली यू बाई कर ली टी क्या यही है, ठीक है। ए इंटू ई पावर माइनस ई एक्स कोस एन टी माइनस ई एक्स इंटू एन। अब राइट साइड में क्या है, दिस इज म्यू स्क्वेयर, म्यू म्यू स्क्वेयर नहीं है म्यू इंटू कर ली स्क्वेयर यू बाई कर ली एक्स स्क्वेयर, ये हमारा टू जी स्क्वेयर ए ई रेज टू पावर माइनस जी एक्स, दिस इज कोस एन टी माइनस के जी एक्स। तो अब कोस से कोस कैंसिल, ई रेज टू पावर माइनस जी एक्स से ये कैंसिल, ए से ए कैंसिल कैंसिल हो जाएगा, तो जी स्क्वेयर और टू म्यू दिस इज इक्वल टू एन आ गया, तो जी स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ जाएगी एन बाय टू म्यू, दिस इंप्लाइज जी इज इक्वल टू रूट एन बाय टू म्यू, ये आंसर आ गया। ये कंडीशन हमें प्रूव करनी थी, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट करते हैं, देखो अब अपने पास है होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन क्या है, ए फंक्शन एफ एक्स वाई दिस इज सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है। इफ द डिग्री ऑफ ईच ऑफ इट्स टर्म्स इन एक्स एंड वाई दिस इज इक्वल टू एन, एक कंडीशन तो ये है। दूसरा अब आगे हम चेक करेंगे जो फंक्शन एफ एक्स वाई है इसको हम होमोजीनियस फंक्शन कहेंगे ऑफ ऑर्डर एन का, इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म, किस फॉर्म में, एक्स रेज्ड पावर एन इनटू फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स। जब इस टाइप से जब ये फंक्शन लिखा जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर एन। अब आगे थ्योरम्स हैं, देखो फर्स्ट थ्योरम क्या है, इफ यू इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन इन एक्स एंड वाई देन बोथ, जो कर्ली यू बाय कर्ली एक्स होगा एंड कर्ली यू बाय कर्ली वाई, दीज आर आल्सो होमोजीनियस फंक्शंस ऑफ डिग्री एन माइनस वन ईच, ठीक है। जब यू होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन है तो जो कर्ली यू बाय कर्ली एक्स होगा ये होमोजीनियस फंक्शन होगा किसका, एन माइनस वन डिग्री का। देखो कैसे प्रूव करते हैं, सबसे पहले सिंस u इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन x एंड y, देयरफॉर u कैन बी एक्सप्रेस्ड
इन द फॉर्म एक्स रेस टू पावर एन इंटू फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका क्या निकालेंगे, कर्ली यू बाय कर्ली एक्स पार्शियल डेरिवेटिव। देखो फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव एफ का एफ डैश वाई बाय एक्स इंटू वाई एज इट इज वन बाय एक्स का माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई बाय एक्स एज इट इज एक्स रेस टू पावर एन का एन इंटू एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन। देखो इसको एक पावर को हम कैंसिल करते हैं, एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन एफ डैश वाई बाय एक्स इंटू वाई बाय एक्स और माइनस वन लिख दिया, एक एक्स वाई के नीचे लिख लेते हैं, प्लस के एन एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन एफ ऑफ वाई बाय एक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा, एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन टोटल से कॉमन, अंदर क्या रह जाता है एफ डैश वाई बाय एक्स इंटू वाई बाय एक्स और ये माइनस का है प्लस एन इंटू एफ ऑफ वाई बाय एक्स। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन इंटू फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स, ये फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स हो गया। ठीक है, देयरफॉर जो कर्ली यू बाय कर्ली एक्स है दिस इज आल्सो ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन माइनस वन। सिमिलरली अब हम कर्ली यू बाय कर्ली वाई फाइंड आउट करते हैं, तो एक्स रेस टू पावर एन तो कॉन्स्टेंट, एफ का क्या होता है एफ डैश और वन बाय एक्स एज इट इज वाई का डेरिवेटिव वन, तो एक पावर कैंसिल करेंगे तो एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन इंटू एफ डैश वाई बाय एक्स। देयरफॉर कर्ली यू बाय कर्ली वाई दिस इज आल्सो ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन माइनस वन। ठीक है, ये फर्स्ट थ्योरम थी। अब नेक्स्ट क्या आ जाती है हमारे पास, यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, पेपर में स्टेट एंड प्रूव आती है ये थ्योरम, और इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आपको इसकी स्टेटमेंट भी याद रखनी है और प्रूफ भी। तो देखो स्टेटमेंट क्या है, इफ यू बी ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन इन एक्स एंड वाई देन एक्स इंटू करली यू बाय करली एक्स प्लस वाई इंटू करली यू बाय करली वाई दिस इज इक्वल टू एन इंटू यू। ठीक है, तो इस टाइप से हमें प्रूव करनी है ये। तो देखो कैसे करते हैं, जो आयलर थ्योरम है वो इम्पोर्टेंट थ्योरम, आगे क्वेश्चंस भी हम इसी से करेंगे। तो देखो क्या है प्रूफ, सिंस यू इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन इन एक्स एंड वाई देयरफॉर यू कैन बी रिटन एज एक्स रेस्ट पावर एन इंटू फंक्शन ऑफ y by x। ठीक है, अब देखो कर्ली u by कर्ली x निकालना है या कर्ली u by कर्ली y, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले कर्ली u by कर्ली x first as it is, second का f dash y by x y as it is 1 by x का minus 1 by x square plus n into x raised to power n minus 1 first का derivative second as it is। अब x इंटू करली यू बाई करली x निकालना है, तो ये क्या आ जाएगा, एक x रेस टू पावर n f डैश y बाई एक्स और एक x से एक x कैंसिल, ये माइनस का है और ये आ जाएगा y बाई एक्स प्लस n इंटू x रेस टू पावर n f ऑफ y बाई एक्स, ये आ जाएगा x से मल्टीप्लाई किया है। अब हम निकालते हैं कर्ली यू अपॉन कर्ली वाई, तो अब इसका वाई के रिस्पेक्ट में एक्स की पावर एन एज इट इज, एफ का क्या आ जाएगा एफ डैश वाई बाय एक्स इंटू वन बाय एक्स एज इट इज वाई का डायरेक्टिव वन। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हम वाई से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वाई कर्ली यू बाय कर्ली वाई किसके इक्वल आ जाएगा एक्स रेस टू पावर एन इंटू एफ डैश वाई बाय एक्स, और यहाँ वाई बाय एक्स लिख देते हैं जब हमने वाई से मल्टीप्लाई,
ठीक है, तो ये वन इक्वेशन लिख लेते हैं, ये टू लिख लेते हैं, तो वन प्लस टू करते हैं, तो लेफ्ट साइड में तो देखो क्या आ जाता है हमारे पास, एक्स इंटू कर ली यू वाई कर ली एक्स प्लस वाई इंटू कर ली यू वाई कर ली वाई, दिस इज इक्वल टू, देखो एक्स की पावर एन एफ डैश वाई बाई एक्स इंटू वाई बाई एक्स, और ये दोनों तो क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो क्या बचेगा एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन एफ ऑफ वाई बाई एक्स, ये तो हमारा किसके इक्वल है, यू के इक्वल, दिस इज एन, हेंस द प्रूफ। तो ये है हमारी आयलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, तो एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, देखो क्या थ्योरम है हमारी, ये आपको स्टेटमेंट ध्यान रखनी है इसकी, इफ यू इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन इन एक्स एंड वाई, देन एक्स इंटू कर ली यू बाई कर ली एक्स प्लस वाई इंटू कर ली यू बाई कर ली वाई, दिस इज इक्वल टू एन इंटू यू। तो देखो सिंस यू होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन है एक्स एंड वाई में, तो हम यू को कैसे लिख सकते हैं, एक्स रेज टू पावर एन इंटू फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स। तो सबसे पहले इसका एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं यू इंटू वी से, फिर उसको हमने एक्स से मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही फिर यू का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, फिर उसको वाई से मल्टीप्लाई, तो जब इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स इंटू कर्ली यू बाय कर्ली एक्स प्लस वाई इंटू कर्ली यू बाय कर्ली वाई इज इक्वल टू एन इंटू यू। ठीक है, ये आयलर्स थ्योरम है। नेक्स्ट थ्योरम देखो क्या है, अब रिलेशन बिटवीन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ होमोजीनियस फंक्शन, क्या रिलेशन है, इफ यू इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन इन एक्स एंड वाई, देन फर्स्ट पार्ट क्या है, एक्स कर्ली स्क्वेयर यू बाय कर्ली एक्स स्क्वेयर प्लस वाई कर्ली स्क्वेयर यू बाय कर्ली एक्स कर्ली वाई इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू कर्ली यू बाय कर्ली एक्स, फर्स्ट पार्ट ये प्रूव करना है। सेकेंड क्या है, एक्स कर्ली स्क्वेयर यू बाय कर्ली एक्स कर्ली वाई प्लस वाई इंटू कर्ली स्क्वेयर यू बाय कर्ली वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू कर्ली यू बाय कर्ली वाई, और थर्ड पार्ट क्या है, एक्स स्क्वेयर कर्ली स्क्वेयर यू बाय कर्ली एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स वाई कर्ली स्क्वेयर यू बाय कर्ली एक्स कर्ली वाई प्लस वाई स्क्वेयर कर्ली स्क्वेयर यू बाय कर्ली वाई स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन इंटू यू। ये प्रूव करने हैं थ्री पार्ट्स। तो सबसे पहले स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है, यू इज ए हेयर यू इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन इन एक्स एंड वाई, देयरफॉर यू को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स रेज टू पावर एन इंटू फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स। तो अब यहाँ पर जो आयलर्स थ्योरम हमने प्रूव की है वो एज इट इज प्रूव करेंगे, तो यहाँ तो मैं लिख रहा हूँ, सो बाय आयलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन एक्स इंटू कर्ली यू बाय कर्ली एक्स प्लस वाई इंटू कर्ली यू बाय कर्ली वाई किसके इक्वल होगा, एन इंटू यू के, एन इंटू यू के आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो अब हम क्या करेंगे, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव कर्ली स्क्वेयर यू बाय कर्ली एक्स स्क्वेयर प्लस कर्ली यू बाय कर्ली एक्स एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव वन प्लस वाई कॉन्स्टेंट है कर्ली स्क्वेयर यू बाय कर्ली एक्स कर्ली वाई एन इंटू यू का कर्ली यू बाय कर्ली एक्स। ठीक है, तो देखो एक्स कर्ली स्क्वेयर यू बाय कर्ली एक्स स्क्वेयर प्लस वाई कर्ली स्क्वेयर यू बाय कर्ली एक्स कर्ली वाई
इज इक्वल टू, अब इसको राइट साइड में लाएंगे तो कर्ली यू बाई कर ली एक्स कॉमन ले लेंगे तो एन माइनस वन कर ली यू बाई कर ली एक्स, ये आंसर आ गया फर्स्ट। ठीक है, अब इसका अगर y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें, इक्वेशन वन का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें, डिफरेंशिएशन वन विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली, तो क्या आता है हमारे पास x एज इट इज कर ली स्क्वायर u बाय कर ली x कर ली y हो जाएगा, y एज इट इज इसका कर ली स्क्वायर u बाय कर ली y स्क्वायर प्लस कर ली u बाय कर ली y एज इट इज y का वन n into curly u upon curly y। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, x curly square u by curly x curly y plus y into curly square u by curly y square this is equal to n minus 1 हो जाएगा भी इस साइड लाइन में, तो ये सेकंड हो गया, सेकंड आंसर हो गया। इसको मैं फर्स्ट आंसर को लिख देता हूँ सेकंड इक्वेशन, ठीक है, और जो सेकंड आंसर है इसको मैं लिख देता हूँ थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं, टू बाय एक्स एंड थ्री बाय वाई एंड एडिंग। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा एक्स स्क्वेयर करली स्क्वेयर यू वाई करली एक्स स्क्वेयर प्लस वहां एक्स वाई आएगा, यहाँ भी एक्स वाई है तो टू एक्स वाई करली स्क्वेयर यू वाई करली एक्स करली वाई प्लस वाई स्क्वेयर करली स्क्वेयर यू वाई करली वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एन माइनस वन दोनों से कॉमन एक्स करली यू वाई करली एक्स प्लस वाई करली यू वाई करली वाई, ये बन जाएगा, और ये किसके इक्वल है एन इंटू यू के, तो दिस इज एन इंटू एन माइनस वन इंटू, ये लास्ट आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप से ये थ्योरम्स हैं हमारी, अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं ट्राई, देखो एक्सरसाइज के एग्जांपल्स आपको सारे करने हैं, कोई भी प्रॉब्लम आएगी वो हम फिर डिस्कस करेंगे। तो देखो एक्सरसाइज 5.2, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो थ्योरम ही है जो हमने अभी प्रूव की है वही है, तो थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्या है इसमें, वेरीफाई आयलर्स थ्योरम, वेरीफाई करना है। ठीक है, वेयर यू क्या गिवन है, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर ली यू बाय कर ली एक्स करते हैं, क्या आता है डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 2x माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2x, दिस इज 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2x y स्क्वायर माइनस, ये प्लस हो जाएगा 2 एक्स वाई स्क्वेयर अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, दिस इज 4x वाई स्क्वेयर अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। अब इसको हम x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x इंटू कर ली यू बाई कर ली एक्स क्या आ जाएगा, x से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं। ठीक है, अब u का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करेंगे तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस टू वाई माइनस के, अब न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आ जाएगा प्लस के टू वाई, तो देखो y क्यूब टू वाई क्यूब, टू वाई क्यूब कैंसिल, माइनस के टू वाई एक्स स्क्वायर माइनस के टू वाई x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो कर ली u अपॉन कर ली y क्या आ गया माइनस के 2x स्क्वायर 4 हो गया, 2 2 कितना आ गया 4x स्क्वायर y अपॉन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर।
अब इसको हम y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो y कर ली, u बाउंड कर ली, y किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस का 4 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ये इक्वेशन नंबर टू। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, इसमें इन दोनों को ऐड कर देते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड, तो क्या आ जाता है, एक्स कर ली यू बाय कर ली एक्स प्लस वाई कर ली यू बाय कर ली वाई, ये जीरो बन जाएगा। अभी एक प्लस का आ रहा है और एक माइनस का, ठीक है। अब हम करते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए क्या करते हैं, यू गिवन है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। न्यूमरेटर से एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लिया, अभी डिनोमिनेटर से भी एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल, तो अब यू किसके इक्वल आ जाएगा, यू इज इक्वल टू एक्स रेस्ट पावर जीरो, अब वन माइनस वाई बाय एक्स का होल स्क्वेयर, वन प्लस के वाई बाय एक्स का होल स्क्वेयर। तो ये क्या बन गया, एक्स रेस्ट पावर जीरो इंटू फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स, ठीक है। देयरफॉर यू इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो इन एक्स एंड वाई, सो बाय आयलर्स थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू कर ली यू बाय कर ली एक्स प्लस वाई इंटू कर ली यू बाय कर ली वाई किसके इक्वल होता है, एन, एन क्या है यहाँ पर, जीरो, जीरो इंटू यू, दिस इज इक्वल टू जीरो, हेंस आयलर्स थ्योरम वेरीफाइड, ठीक है। जहां वेरिफिकेशन हो वहां तो इस टाइप से हम डायरेक्ट मेथड से भी करेंगे, डायरेक्ट मेथड से करेंगे इसमें जहां वेरिफिकेशन होगी तो, ठीक है। ये वेरिफिकेशन जो है ये स्टार्टिंग में हमने किया डायरेक्ट मेथड से डेरिवेटिव, तो ये डायरेक्ट डेरिवेटिव करना है जब हमें आयलर्स थ्योरम वेरीफाई करना है, अदरवाइज क्वेश्चंस में हम करेंगे इस मेथड, जो ये सेकंड मेथड, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन खुद ट्राई कर लोगे। अब मैं करवाता हूं इसमें जो फोर्थ क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, यू इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इंटू साइन इनवर्स वाई बाई एक्स, ठीक है। तो देखो कैसे लिख सकता हूँ इसमें, यहां से एक्स स्क्वेयर को मनाएगा तो एक्स रूट वन माइनस वाई बाय एक्स का होल स्क्वेयर इंटू साइन इनवर्स वाई बाय एक्स होगा, तो ये क्या बन गया, एक्स रेस्ट पावर एन इंटू फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स बन गया ये सारा, ठीक है, ये सारा फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स। देयरफॉर यू इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री वन इन एक्स एंड y, so by Euler's theorem we can write x into curly u by curly x plus y into curly u by curly y, this is equal to n, n क्या है यहाँ पर, 1 into u, this is equal to u, ये आंसर आता है। तो इस टाइप से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ देखो मैं आपको, जैसे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखो क्या है, यू गिवन है साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई अपॉन एक्स, तो हमें प्रूव करना है एक्स इंटू कर ली यू बाय कर ली एक्स प्लस वाई इंटू कर ली यू बाय कर ली वाई किसके इक्वल होगा, जीरो पे। देखो यू को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स रेस्ट पावर जीरो इंटू साइन इनवर्स x की जगह x को नीचे ले आओ, दिस इज y बाय एक्स, ठीक है, प्लस टेंजेंट इनवर्स y बाय एक्स, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयरफॉर दिस इज इक्वल टू x रेस्ट पावर 0 इनटू फंक्शन ऑफ y बाय एक्स, सो u इज ए होमोजीनियस फंक्शन, देयरफॉर u इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो इन एक्स एंड वाई, सो बाय वही आयलर्स थ्योरम
हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू कर ली यू बाय कर ली x प्लस y इंटू कर ली यू बाय कर ली y, दिस इज इक्वल टू n इंटू यू, दिस इज g। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसके 6 क्वेश्चंस ट्राई कर लोगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।